हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे आपके काउंसलिंग के बारे में कि आपके बीएड की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है और किस तरीके का पूरा प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि उन लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनका यहाँ पर फाइनल ईयर था। ठीक है, फाइनल ईयर से मतलब है कि आपका अपीयरिंग था, आप लास्ट ईयर में थे, चाहे आप ग्रेजुएशन हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, एक चीज़ जो कि सभी के लिए चाहिए होगी वो है आपका बैंक पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक का मतलब है चाहे आपका अकाउंट होना चाहिए, चाहे फिर आपका अपना अकाउंट हो, चाहे आपके फादर और मदर का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीन लोगों का अकाउंट काम कर जाएगा, एक तो आपका खुद का, ठीक है, एक आपके पिताजी का या फिर एक आपकी माता जी का, यानी कि बस आप तीन अकाउंट का ही यूज कर सकते हैं। तीन अकाउंट का मतलब है अगर बाई चांस आपका अकाउंट नहीं है तो आप फादर मदर का अकाउंट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना ही अकाउंट यूज करना है। क्यों यूज करना है उसके बारे में हम जब नेक्स्ट वीडियो अभी बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर फाइनल ईयर का रिजल्ट, ये सिर्फ उन्हीं को चाहिए होगा जिन लोगों ने अपने फॉर्म को जब फिलअप किया था अपना बीएड एंट्रेंस वाला, उसमें उन्होंने जो है अपीयरिंग दिखाया था, यानी कि उनका बीएससी फाइनल ईयर या फिर आपका बीए फाइनल ईयर या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में थे उनका भी फाइनल ईयर चल रहा था, तो उनके लिए यहाँ पर रिजल्ट अपलोड करना रहेगा। और जिन लोगों का रिजल्ट अपलोडेड है, यानी कि जो लोग फाइनल ईयर में नहीं है, उनके लिए बस बैंक की पासबुक अपलोड करनी रहेगी और फीस सबमिट करनी रहेगी। पिछली बार जो आपकी फीस थी वह आपका 5,750 रुपये फीस जमा हुई थी। ठीक है, इस बार हो सकता है कि कुछ कम फीस हो, क्योंकि इस बार आपका जो एग्जाम जो आपका फॉर्म था ऑनलाइन फॉर्म उसमें भी 1500 रुपये से घटाकर 1000 रुपये फीस कर देगी, तो हो सकता है इसमें भी आपसे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले। भाई कब बता पाएंगे, जब आपका पूरा रोहिलखंड की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाएगा, पूरी काउंसलिंग का होता है तो उसमें यहाँ पर पूरी सारी आपकी फीस वगैरह सब कुछ वहाँ पर लिखी रहती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जारी करेगा उसके बाद हम आपको बता देंगे और किस तरीके से आपको करनी होती है काउंसलिंग, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, क्या ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या मोबाइल से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, इन सब के बारे में अलग एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि अभी आपको काउंसलिंग के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो है आपका बैंक पासबुक और जो फाइनल ईयर के छात्र उनके रिजल्ट और बैंक पासबुक दोनों चीज़ें। इसके अलावा आपको कोई भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ठीक, इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।